अब हरियाणा कांग्रेस में खींचतान, 19 विधायकों ने शैलजा की जगह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग। शहर मुनव्वर राणा का परिवार का झगड़ा, सड़क पर आया, बेटी ने यूपी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार पर उठाए सवाल, स्वास्थ्य मंत्री ने किया पलटवार। आईआईटी मद्रास में मिला 22 साल के इंजीनियर का शव, पुलिस को आत्महत्या का शक। जॉनसन एंड जॉनसन का दावा, सिंगल शॉट वैक्सीन कोरोना से देती है 8 महीने तक इम्यूनिटी। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर फायरिंग के मामले में रायबरेली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच के मुताबिक मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई है। इस पूरे मामले के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल की मदद के आधार पर हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि परिवार में संपत्ति का विवाद चल रहा था, इसी को लेकर तब्रेज चाचाओं पर दबाव बनाना चाह रहा था। साथ ही पुलिस ने हमले में प्रयोग किए गए असलहे को भी बरामद कर लिया है। नाम के व्यक्ति ने यह बताया था कि उसके ऊपर मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमें लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज, आसपास के लोगों से पूछताछ इत्यादि के क्रम में यह बात संज्ञान में आई कि तब्रेज राणा ने कुछ संपत्ति अपनी बिक्री की थी, पैतृक संपत्ति जो कि उनके हिस्से से अधिक थी, जिसको लेकर इनके चाचाओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। और इस मुकदमे में तब्रेज ने उस भूमि विवाद का ही हवाला देते हुए अपने चाचाओं के ऊपर आशंका व्यक्त की गई थी। पूछताछ में सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के आधार पर यह बात सामने आई कि तब्रेज का एक साथी है हलीम और एक और साथी है सुल्तान, जिसके साथ इन्होंने मिलकर ये पूरी योजना बनाई कि यदि इन पर फायरिंग हो जाती है और इनके चाचाओं को के ऊपर मुकदमा लिख जाता है तो ये लोग इस जमीन के विवाद से पीछे हट जाएंगे। साथ ही साथ उनका तिलोई से विधानसभा चुनाव लड़ने का भी प्लान था और यह मुकदमा लिख जाने पर इनको देखिए, मैंने और भी अभी आए थे टीवी वाले, उनसे बातचीत हुई कि ये एक घरेलू मसला था और ये हमारे घर का, हमारे ख़ानदान का बर्बाद लड़का निकल गया है और ये माँ और बहनों की गलत तरबियत की वजह से, और ये कुछ हमारी पुश्तैनी ज़मीनें हैं यहाँ पर, उन ज़मीनों पे उसकी निगाह आ गई और उसे भू माफिया बनने का शौक़ हो गया है। तो शहर के जो छोटे भैये भू माफिए हैं उनके साथ अपनी टीम बना के और कुछ ज़मीनें वहाँ पे उसने बेच भी दी जो कि मेरे पर्सनल नाम से थी और मेरे छोटा भाई राफे राणा उसके नाम से थी। इस पर हम लोगों ने केस कर दिया बंटवारे का मुकदमे में और अखबारों में नोटिस दे दी कि कोई वहाँ खरीद फरोख्त ना करे। लेकिन उसकी ख्वाहिशात बहुत ऊंची हैं और वो करोड़ों की और 50 लाख की गाड़ियों पर चलने का उसे शौक़ है और उसी सब चक्कर में ये एकदम टेंशन में आके और इसने, इन लोगों ने एक साजिश रची, बचकानी साजिश के अपने ऊपर गोली चलवाई जाए और सारे चचाओं को, इवन जितने नोटिस में नाम हैं हमारे 4 भाई और एक भाई जो इस दुनिया में नहीं है उसके बेटे को, सबको नामजद कर दिया ताकि हम लोग अरेस्ट हो जाएं और अरेस्ट होने के बाद अपने बाप का गलत नाम इस्तेमाल करके हम लोगों को सरेंडर करवा ले और वो हमारी ज़मीनों पे जैसे चाहे जो चाहे वो करे, ये है असल उसका मकसद। तो वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए ओम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए जो मुनव्वर राणा के बेटे ने ये हथकंडा अपनाया है, इसको लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी?
देखिए इस खुलासे से पूरे जिले में हड़कंप मच गया, क्योंकि मुनव्वर राणा एक बहुत बड़ा नाम थे, लेकिन उनके लड़के ने चाचाओं को फंसाकर संपत्ति बेच के पैसा हड़पने की जो नियत से अपने ऊपर हमला कराया था, उसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो गया है। और चारों आरोपियों को, जिसमें कि सत्येन त्रिपाठी और शुभम सरकार जिन्होंने गोली चलाई थी, मैं असलहे के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और तवलेश राणा की तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओम शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदेश में लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं और लोगों को गर्मी से निजात भी नहीं मिल पा रही है। कई दिनों से धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया था। उमस की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया। प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 के पार पहुंच गया। पिछले महीने हुई बारिश के बाद लोगों को लगा था कि अब मानसून की दस्तक के साथ गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, मगर पिछले 3 दिन से लगातार बढ़ रही गर्मी ने सभी को बेचैन कर दिया। अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा ना चलने से उमस भरी गर्मी हो रही है। तेज धूप होने से बाजारों में भीड़ कम रही है और सड़कें सुनसान दिख रही हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, आगरा, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, ये ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान में भारी भरकम जो है दर्ज किया गया। पारा चढ़ा रहा इन जगहों पर, काफी गर्म हवाएं चलती रही। हवाएं अगर चल भी रही थी तो लू चल रही थी, काफी गर्म हवाएं। तो ये उत्तर प्रदेश के जिले हम आपको बता रहे हैं जहां पर गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और हाल ये है कि 40-42 तक टेम्परेचर पहुंच गया है। अभी भी 2 दिन तक गर्मी से निजात ना मिलने की मौसम विभाग ने जानकारी दी और कई इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पर गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि जुलाई माह शुरू हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी मानसून नहीं आया है और गर्मी ने अपना प्रकोप बरसाया है। वहीं गर्मी अभी 2 दिन और लोगों को झेलाएगी। महीना गुजर चुका है, जुलाई की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पारे की बात करें तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम बात कर रहे हैं आगरा महानगर की, जहां पर पारा लगातार 40 का आंकड़ा छूने कगार पर है और लगातार यहां भीषण गर्मी का प्रकोप है। हमारे साथ यहां कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपना जीवन यापन किस तरीके से कर रहे हैं, जो भीषण गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है उस भीषण गर्मी में ये लोग किस तरीके से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं और क्या अपना क्या कर रहे हैं। हमारे साथ में एक रेडी दुकानदार है, इनसे जानते हैं कि दुकान पर बैठते हैं भीषण गर्मी पड़ रही है, सड़क का किनारा है, तो किस तरीके से यहाँ पर बैठते हैं और क्या क्या अपने लिए सुरक्षा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पारा सर। सर इस समय इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है तो उसको देखते हुए आप यहाँ दुकान पर बैठते हो, तो किस तरीके से अपने क्या करते हैं? सर पूरे दिन है ना गर्मी में हाथ का पंखा हिलाते रहते हैं, पूरा जलन होती है सर पूरे, और बहुत ही ज़्यादा इतनी गर्मी परेशानी होती है कि पूछो मत है ना। गर्मी के मारे हालत इतनी ख़राब है कि ये लगती है कि दुकान को है ना बंद करके ही भाग जाओ और काम करने का मन ही नहीं करता सर है ना। इस समय गर्मी इतनी है, गर्मी के हाथ पैर भी जल रहे हैं इस समय। तो बिल्कुल जिस तरीके से तापमान 40 का आंकड़ा जो छूता जा रहा है तो कहीं ना कहीं वास्तव में गर्मी है, जलन वाली गर्मी है। एक भाई और है हमारे साथ में, बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भवन है साहब। जो भीषण गर्मी पड़ रही है इस समय पर, तो आप उससे बचाव के क्या क्या उपाय कर रहे हैं? पसीने साहब गर्मी गर्मी आती है, मतलब साइकिल से आते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना आता है, कम स्प्रे के नीचे छाए बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है साहब। इतनी गर्मी पड़ी है हमें अभी तक देख ही नहीं, मतलब। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जून का महीना निकल गया, जुलाई आ गया, लेकिन अभी तक मानसून नहीं आया, इसकी वजह से इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो क्या फिर कैसे बचाव करेंगे अपना? और क्या करें साहब, परिवारिक मेहरबानी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मरे जा रहे हैं, रात में गर्मी पड़ रही था, बेलदारी करते हैं। तो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है तो आप निकलते क्यों घर से बाहर? और निकलने तो मजबूर हूँ, बच्चे पालने साहब, बच्चे पालने हमको क्या करें। एक तब चक्रा काम पर गया, चक्रा के बाद समाकीकत बात है जो फिर जो रस्सा की ना मेरी ब्याह करी गुड्डा आती मैं, और गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। बिल्कुल साफ है जिस तरीके से लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी का प्रकोप है, लगातार प्रकोप जारी है और जिस तरीके से, और एक भाई और है हमारे साथ में जो आए हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से जो भीषण गर्मी जो पड़ रही है तो उस गर्मी में ये बाहर निकले हुए हैं अभी, और लेकिन क्यों निकले हैं, क्या कारण है ऐसा,
क्या नाम भैया आपका? आबिद। तो भीषण गर्मी पड़ रही है इस समय पर और 40 का आंकड़ा जो लगभग पार करने का है गर्मी का, और आप भीषण गर्मी बाहर निकले हैं, तो क्या उपाय करते हैं आप जब बाहर निकलते हैं? तो दो पैसे कमाने के लिए निकलते हैं। कैसे, क्या उपाय क्या करते हैं अपना जब बाहर निकलते हैं? बाहर निकलते हैं कमाने के लिए निकलते हैं, दो पैसे कमा के लाएं, जब भी निकलते हैं। ऐसी गर्मी में कौन निकलना चाहता है घर से बाहर? तो साफ है जिस तरीके से लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी ज़रूर है, लेकिन अपनी जीविका को चलाने के लिए बाहर निकलना अति आवश्यक है। 2 जून की रोटी जो है उसको कमाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए मजबूरी है। भीषण गर्मी भी इन लोगों के इस मजबूरी का सामना नहीं कर पा रही है। आगरा से अमित शर्मा, टाइम टीवी न्यूज़। कुछ दिनों से बढ़ती हुई गर्मी राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से गर्म बढ़ती नजर आ रही है, वहीं कहीं ना कहीं लोगों की समस्या भी बढ़ती नजर आ रही है। इतनी गर्म से लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कम से कम 40 डिग्री जो है वो तापमान देखने को मिल रहा है गर्म की वजह से, और मौसम विभाग का कहना है कि कुछ ही दिनों में बारिश भी हो सकती है, मगर कुछ बारिश की वजह से जो है वो उमस भी बढ़ती नजर आएगी। राजधानी लखनऊ से शमशाद आलम, प्राइम टीवी न्यूज। तो गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। लोगों के अंदर यही चल रहा है कि जिस कदर गर्मी बढ़ती जा रही है उसके चलते अब कितने और दिन तक इस गर्मी को लोगों को झेलना पड़ेगा। वहीं आगरा से हमारे ब्यूरो अमित जुड़ चुके हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और यूपी का ये आगरा जिला भी उसी में आता है जहां पर गर्मी जो है वो कई ज्यादा गुना पड़ती है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जिस तरीके से जो इस समय गर्मी का जो प्रकोप है, आगरा का जो तापमान था, कल का तापमान आगरा का 43 डिग्री को छू गया था और जिससे भीषण गर्मी निकल पड़ी आगरा के अंदर। यहाँ लोगों से हमने जब बात की तो लोगों का साफ कहना था कि मजबूरी हम लोगों के घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हम नौकरी पेशा वाले लोग हैं और जाना पड़ता है, भीषण गर्मी का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं मानसून की जो शुरुआत होनी चाहिए थी जून का महीना निकलने के बाद में, लेकिन जुलाई आ गया, उसके बाद भी मानसून की अभी तो कोई शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन भीषण गर्मी का सामना जिस कारण लोगों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और अभी और कितने दिन लोगों को गर्मी झेलनी पड़ सकती है और तापमान में कितनी ज्यादा भारी ज्यादा तापमान में और ज्यादा कितनी वृद्धि हो सकती है? जी, मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जो भी चिन्हित किए गए थे कि वहां पर अभी मानसून आने की संभावना थी, लेकिन मौसम विभाग के वहां कुछ छुटपुट बरसात तो हुई, लेकिन जिस तरह की मानसून आने की संभावना जो थी वो मानसून नहीं आया। लेकिन आगरा का अगर बात की जाए तो आगरा के नाम की, तो आगरा का नाम उस लिस्ट में तब भी नहीं था कि मानसून आने की संभावना आगरा में, लेकिन जहां तक अब देखा जाए तो आगरा के अभी जो नागरिक रहने वाले लोग हैं उनको अभी इस भीषण गर्मी का सामना भी आगे भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार गर्मी का प्रकोप बना हुआ है जिसको लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कानपुर से संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, कानपुर के लोगों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है? देखिए, एक कहावत कही गई है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, लेकिन इस कुदरत के नज़ारे से कानपुर के लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर की अगर बात करेंगे, कानपुर पर हाल ही में अभी मैं जब मार्केट पर लोगों से बातचीत करना चाहा तो लोग काफी कुछ परेशान हो रहे हैं गर्मी को लेकर के। लोग निकल रहे हैं क्योंकि रोजमर्रा की जीवन यापन करने वाले लोग हैं, वो लोग निकल रहे हैं तो उनको काफी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती धूप के बीच में लोगों को एक तरीके से मुसीबत ने डाल रखा है। और कानपुर की अगर बात करें तो लोग जब निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रुक कर पानी पी रहे हैं, अपने आप को एक तरीके से ठंडक पहुंचाने के लिए सिकंजी है, नारियल पानी है, इस तरीके की चीजों को पी करके फिलहाल अपने आप को आराम देने की प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से गर्मी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानपुर से थे हमारे संवाददाता, जैसे कि गर्मी बढ़ती जा रही है तो वो बता रहे थे कि किस तरह से लोग जो है वो आजकल नींबू पानी और शिकंजी के सहारे अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी में दिक्कतें डिहाइड्रेशन की हो जाती हैं। तो लगातार अभी 2 दिन और उत्तर प्रदेश की जनता को गर्मी झेलनी पड़ेगी और इन 2 दिनों में तापमान 40 से 42 डिग्री के पार जा सकता है। प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बड़ा बयान दिया है।
आजमगढ़ में शौकत अली ने कहा कि ओवैसी की पार्टी भी अपने पैतरे तैयार कर रही है और भाजपा इस बार के चुनाव में सफल नहीं हो पाएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से गठबंधन होगा इस पर उसी समय विचार किया जा रहा है। हमारे ऊपर ये आरोप लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जबकि जिला पंचायत चुनाव में दोनों पार्टियों का तालमेल का पता चल गया। हमारी जो भागीदारी में संकल्प मोर्चा है वो भी बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकती है। देखिए साहब, हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम बीजेपी की बी टीम हैं। हमारे दो कैंडिडेट जिनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बजित थे, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया है, एक बरेली का और एक बाराबंकी का। हम कभी बीजेपी के साथ नहीं गए। हाँ, बीजेपी का अलायंस मैं देख रहा हूँ कि ज़िला पंचायत के चुनाव में समाजवादी से हुआ है। इटावा में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, अखिलेश यादव के भाई वहाँ निर्विरोध हो गए। बनारस में समाजवादी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ निर्विरोध हो गया। 17 सीटों पर बीजेपी अगर निर्विरोध अपने जिला पंचायत अध्यक्ष को जिता ले जाती है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए। बदायूं में पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव में दो बक्शों के बीच जमकर पथराव हुआ है और इसी बीच फायरिंग भी हुई। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस पूरी घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई के तहत एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबेडकर नगर के राजेश सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में मामले विवाद को लेकर दो गांवों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ते हुए दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है। तो मारपीट में कई लोग घायल बताए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। मारपीट जब बढ़ी तो कई लोग इसमें घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी लेने में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा दलित विरोधी है, कोई भी बड़ी और प्रमुख पार्टी सपा से गठबंधन नहीं करेगी, किनारा करना ही बेहतर समझती है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण व खासकर दलित विरोधी सोच है। कार्यशैली के कड़वे अनुभवों और इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश के अधिकतर बड़ी और प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती है। इसलिए आगामी यूपी चुनाव, विधानसभा आम चुनाव में ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना व करना सपा की महालाचारी को दर्शाता है। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग किशोरी का शव बरामद हुआ है। नाबालिग का शव देख रहा परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों के साथ साथ ग्रामीण से भी पूछताछ की। इस पूरे मामले में परिजनों ने जहां नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है, पुलिस ने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हमारे यहाँ सर हम पर हमारी लड़की थी नीचे लेटी थी, हम लोग दो मियाँ बीबी ऊपर पड़े थे। पहले एक बार हमारे यहाँ चोरी हो गई थी तो इसलिए मैं ऊपर लेटने लगा, हमारी माँ थी, हमारे बच्चे भी नीचे लेट रहे थे। तो रात में लाइट आई गई चली गई, सर पता नहीं कै बजे रात को उठा लाए ये लोग। थाना मंगलपुर के गाँव जैतापुर में आज सुबह एक बाग में 12 साल की एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और उसकी हत्या कर दी गई है। परिजनों का कहना है कि रात में वो लोग सभी साथ सोए थे और उन्हें यह नहीं पता है कि बच्ची कब वहाँ से गई या कोई उसे कब ले गया। जब वह सुबह उठे तो लड़की घर पे नहीं थी और जब नहीं थी तो उसकी तलाश शुरू की गई और उसको तलाशते। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आगरा के खदौली और सैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC पर पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। दोनों ही केंद्रों पर डिप्टी CM ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और संभावित तीसरी लहर से निपटने के इंतजाम भी देखे। भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्होंने कोरोना पीड़ित सवजन की मदद करने की बात कही। इसके बाद वो नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष के निवास पर भी पहुंचे। इसके बाद वो पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। शहीद की वीरांगना के धरने पर बैठे होने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। पारिवारिक मिलन है, हम लोग घर पे आए हैं। हर जगह जहाँ जाते हैं कोई ना कोई कार्यकर्ता के घर जाते हैं। नए जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर शहीद की जो वीरांगना है वो धरने पर सुबह से बैठी। कहाँ पे सर? यहाँ से कह रही मैं, यहाँ कुछ ही दूरी पर, मेरे ख्याल से 200-300 मीटर की दूरी पर। क्यों बैठी हैं? धरने पर बैठी, कुछ उनकी मांगे हैं क्या सर? आप उनसे भी मिलने जाएंगे? मैं फ़ोन से बात कर लूँगा, मिलने के लिए तुमसे कभी उन्होंने कहा नहीं है, मैं उनसे बात करूंगा। वीरांगना है। कोरोना की दूसरी लहर अब थोड़ी समय से कम हुई है लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी सामने आ रही है। हमीरपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान गांव में कई दिनों के सर्कस चल रहा है और सर्कस देखने के लिए इलाके में भारी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। घटना कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी गाँव की है। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम TV।